हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में नर्मदा नदी के बारे में देखेंगे कि नर्मदा नदी से क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और उनसे रिलेटेड फैक्ट क्या बन सकते हैं। ठीक है ना, नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी जो है यह मध्य प्रदेश की, ठीक है ना, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की, ठीक है ना, और भारत की देखेंगे भारत की तरफ से तो भारत की पाँचवें नंबर की नदी है। ठीक है ना, भारत की पाँचवें नंबर की नदी है और यह कैसे बहती है, तो यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती है। कहाँ से बहती है? ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती है। ठीक है ना, अब इसके अन्य नाम क्या क्या है, नर्मदा नदी के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो अन्य नाम क्या है, पहला नाम है रेवा, ठीक है ना, इसका रेवा नाम है। फिर क्या है, संकरी भी इसको बोलते हैं, संकरी, ठीक है ना। फिर क्या बोलते हैं, नामो दास, ठीक है ना, नामो दास भी इसका नाम है। और सोमो देवी भी बोलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट नाम क्या है, मेकल सुता, ठीक है ना, मेकल सुता भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, मेकल सुता बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या क्या अपन डिस्कस किया है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी तथा भारत के पाँचवें नंबर की नदी है, ये कैसे बहती है, तो ईस्ट से वेस्ट की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, रेवा है, संकरी है, नामोदास है, सोमो देवी है और मेकल सुता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट क्या इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे कि मध्य प्रदेश, ठीक है ना, यह मध्य प्रदेश एवं गुजरात, ठीक है ना, मध्य प्रदेश एवं गुजरात की जीवन रेखा, ठीक है ना, जीवन रेखा कहलाती है। यह मध्य प्रदेश एवं गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। इसका उद्गम कहाँ होता है, तो इसका होता है उद्गम अमरकंटक के मैकल पर्वत श्रेणी से हुआ है इसका उद्गम, ठीक है ना, जो कि कहाँ है, अनूपपुर जिले में है, ठीक है ना, अनूपपुर जिले में है। मध्य प्रदेश और गुजरात की यह जीवन रेखा कहलाती है और इसका उद्गम कहाँ हुआ है, मैकल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम हुआ है, जो कि अनूपपुर जिले में है, ठीक है ना। यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में विंध्याचल, कहाँ कहाँ, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में कहाँ बहती है, मध्य भ्रंश घाटी में यह बहती है, ठीक है ना। क्या क्या अपन इसमें जाने, यह मध्य प्रदेश एवं गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है, अमरकंटक मैकल पर्वत श्रेणी से, जो कि अनूपपुर जिले में है, ठीक है ना, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है, और यह विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इसकी लंबाई की बात की जाए, ठीक है ना, तो इसकी लेंथ जो कितनी है, इसकी लेंथ है 1312 किलोमीटर है, इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है ना, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में इसकी लेंथ कितनी है, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है, ठीक है ना, यानी टोटल लेंथ है 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में इसकी लेंथ है 1077 किलोमीटर, ठीक है ना। अब इसका मिलन जो है, इसका मिलन कितने राज्यों से होता है, तीन राज्यों से होता है, ठीक है ना। पहला तो MP है, ठीक है ना, जो 15 डिस्ट्रिक्ट से होती है, ठीक है ना, 15 जिलों से में बहती है। दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है गुजरात, ठीक है ना, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा है गुजरात, ठीक है ना। गुजरात में बहते हुए ये कहाँ समाहित होती है, तो गुजरात के भटोच के पास खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है, गुजरात के भटोच के पास खंबात, ठीक है ना, कहाँ, खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है, ठीक है ना। इसकी जो नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है, एस्चुरी, ठीक है ना, यह नदी डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है ना। नर्मदा का जो बेसिन है, ठीक है ना, नर्मदा का जो बेसिन है 89.8% जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, 8.5% महाराष्ट्र गुजरात में है, ठीक है ना, और 2.7% ओनली 2.7% ठीक है ना, ओनली 2.7% कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। तो क्या क्या पढ़े अपन,
इसकी लेंथ है 1312 किलोमीटर, इसकी एमपी में लेंथ है 1077 किलोमीटर। ये तीन राज्यों मध्य प्रदेश में 15 जिले, महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए गुजरात के भटोच के पास खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है, ठीक है ना। यह नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है ना। नर्मदा नदी का बेसिन जो है 89.8% मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में 89.8%, गुजरात में है 8.5%, और महाराष्ट्र में है 2.7%, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इससे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे। तो यह नर्मदा नदी जो है, ठीक है ना, नर्मदा नदी जो है यह मध्य प्रदेश की, इसे मध्य प्रदेश की पहली जीवित इकाई, ठीक है ना, पहली जीवित इकाई का दर्जा मिला है इसे, नर्मदा नदी को किसे मिला है, नर्मदा नदी को पहली जीवित इकाई का दर्जा मिला है नर्मदा नदी को, ठीक है ना। नर्मदा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो अमृत लाल, ठीक है ना, किसे जाना जाता है, अमृत लाल बेगड़ को, अमृत लाल बेगड़ को है जो नर्मदा पुरुष के नाम से जाना जाता है, नर्मदा पुरुष, ठीक है ना, नर्मदा पुरुष के नाम से जाना जाता है अमृत लाल बेगड़ जी को। इसकी सहायक नदियाँ कितनी हैं, टोटल 41 सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना, 41 सहायक नदियाँ हैं इसकी, टोटल 41 सहायक नदियाँ हैं दाएं तट से, ठीक है ना, यानी दाएं तट से कितनी है 19, और लेफ्ट तट से, बाएं तट से 22 नदियाँ मिलती हैं टोटल, ठीक है ना। जो जिसमें से प्रमुख कौन कौन सी हैं, तवा हो गई, ठीक है ना, तवा के बाद हिरण नदी हो गई, ठीक है ना, फिर शक्कर नदी हो गई, फिर क्या हो गई, दूधी नदी, फिर हो गई करजन, फिर हो गई शेर, ठीक है ना, आदि इतनी नदियाँ प्रमुख हैं, ठीक है ना। इसमें हम क्या क्या पढ़ें, तो इसमें हम लोग पढ़े हैं पहली जीवित इकाई, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में पहली जीवित इकाई का दर्जा मिला है नर्मदा नदी को, ठीक है ना। नर्मदा पुरुष को किसके नाम से जाना जाता है, तो अमृत लाल बेगड़ जी को जाना जाता है नर्मदा पुरुष के नाम से। और इसकी एक टोटल 41 सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना, जो दाएं तट से 19 और बाएं तट से 22 नदियाँ मिलती हैं, ठीक है ना। इसकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तवा है, हिरण है, शक्कर है, दूधी है, करजन है, शेर है, इत्यादि आदि, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि नर्मदा नदी द्वारा निर्मित जल प्रपात कौन कौन से हैं, ठीक है ना, निर्मित जल प्रपात, निर्मित जल प्रपात, तो ठीक है ना, कपिल धारा, कपिल धारा एवं दुग्ध धारा, दुग्ध धारा ये कहाँ है, कपिल धारा एवं दुग्ध झाला जल प्रपात ये है अनूपपुर में, अनूपपुर में, ठीक है ना, अनूपपुर में। दूसरा क्या है, धुआंधार, सभी लोग जानते होंगे धुआंधार, ठीक है ना, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ है, जबलपुर में, ठीक है ना, कहाँ है, जबलपुर में, जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात, भेड़ाघाट, ठीक है ना। फिर तीसरा क्या है, सहस्त्र, सहस्त्र धारा जलप्रपात ये है महेश्वर में, महेश्वर जो कि कहाँ, खरगोन में, खरगोन में, ठीक है ना। और फिर क्या है, दर्धी जलप्रपात, दर्धी जलप्रपात मंधाता जलप्रपात, मंधाता जलप्रपात, ठीक है, मंधाता जलप्रपात। तो कौन कौन से जलप्रपात हैं, कपिल धारा, दुग्ध धारा ये कहाँ है, अनूपपुर में, धुआंधार जलप्रपात ये है जबलपुर में, सहस्त्र धारा जलप्रपात ये है महेश्वर खरगोन में, दर्दी जलप्रपात और मंधारा जलप्रपात ये हैं नर्मदा नदी द्वारा निर्मित जल प्रपात, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे नर्मदा नदी से और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। नर्मदा नदी द्वारा निर्मित बांध, ठीक है ना, तो निर्मित बांध देख लेते हैं, नर्मदा नदी द्वारा निर्मित बांध, ठीक है ना, तो इंदिरा सरोवर, इंदिरा सरोवर बांध जो कि कहाँ है, खंडवा में, खंडवा में है इंदिरा सरोवर बांध, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में है, ये कहाँ है, गुजरात में, गुजरात के नवे गांव में है, ठीक है ना। महेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना ये कहाँ है, महेश्वर में, ठीक है ना, महेश्वर में। बरगी परियोजना, बरगी परियोजना, बरगी परियोजना ये कहाँ है, ये है बरगी परियोजना है जबलपुर,
जबलपुर बरगी, जबलपुर बरगी एक ठोर है ओमकारेश्वर, ओम ठीक है ना, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर परियोजना, ठीक है ना। तो क्या क्या पढ़े अपन, निर्मित बांध, तो इंदिरा सरोवर ठीक है ना, इंदिरा सरोवर जो कि खंडवा में है, सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है, माहेश्वर परियोजना जो कि महेश्वर में है, बरगी परियोजना जो कि जबलपुर में है, ओमकारेश्वर परियोजना ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बनेगा नर्मदा नदी से, तो नेक्स्ट क्या है, इसके किनारे बसे शहर ठीक है ना, नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर, बसे शहर कौन कौन से है, पहला तो इसका जहाँ से उद्गम होता है, कहाँ से, अमरकंटक ठीक है ना, अमरकंटक हो गया, डिंडौरी हो गया ठीक है ना, डिंडौरी, फिर क्या हो गया जबलपुर हो गया, जबलपुर ठीक है ना, फिर क्या हो गया नरसिंहपुर, नरसिंह नरसिंहपुर, फिर हो गया होशंगाबाद, होशंगाबाद ठीक है ना, होशंगाबाद, फिर कहाँ हो गया मंडला, मंडला के बाद हो गया ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर ठीक है ना, ओमकारेश्वर, फिर हो गया महेश्वर, महेश्वर ठीक है ना, फिर हो गया बड़वानी, बड़वानी, फिर हो गया बड़वा, फिर हो गया हांडिया ठीक है ना, हांडिया, इत्यादि इतने हैं जिससे नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर हैं, कौन कौन से हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बसे शहर कौन कौन से, अमरकंटक, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, मंडला, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, बड़वाय, हंडिया इत्यादि ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और नर्मदा नदी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे एग्ज़ाम में वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, वो अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।